हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एस ब्यूटी क्वीन। आई एम देवलीना सना, होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसे हो आप सब? सो मैं हूँ अभी मानदार मोनी में कैंडल वुड्स रिसोर्ट पे, और अभी गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 8:30 और मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट सेशन में। सो ये है ब्रेकफास्ट सेशन, आप देख सकते हो। तो ये है ब्रेकफास्ट सेशन और इसके जस्ट अपोजिट में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ का प्राइवेट बीच देखने को मिलेगा। एंड सारा मैं डिटेल आपको ऑलरेडी दे चुकी है उस रिजॉर्ट का। तो आज बस मेरा लास्ट डे है मानदार मोनी में, और आज का मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे ये ब्लॉग। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या रहने वाली हूँ मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। एंड ये रहा मेरा बेटा, हाय कोल्डा। और ये है मेरी दी का बेटा, हम लोग आए हैं मतलब मेरी मौसी मौसा जी। चले तो चलो, मैं अपनी मौसी मौसा जी दीदी दीदू एंड पापा शुभो सबके साथ आई हूँ। बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पर, और बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पर। और ये है अर्किन, अर्किन बता लोग सब जानते हो। सो हम क्या ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं वो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। हमारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर हो गया, और फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया, जो था ब्रेड और ऑमलेट एंड पोज एंड पूरी सब्जी। ये सब हम लोग मतलब सारा कुछ मिक्स था। पूरी आ गई थी, सब्जी आ गई थी, एंड ऑमलेट, ब्रेड, बटर एंड और चिकन सैंडविच, ये सब सारा कुछ था। सो ये सब हम लोग ऑर्डर दिए थे, आप देख सकते हो मैं क्लोज। एंड ये पोज ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये सब ब्रेकफास्ट सेशन, फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम आपको बीच में ले जाएंगे। तो पता ही है कि हमें चाय कितना ज़्यादा पसंद है। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे चाय चाहिए, और यहाँ का चाय जस्ट ऑसम था गाइस, रियली बता रही हूँ, ऑसम था। ऊपर फ्लोर पे आए हैं जहाँ पर शुभ और पापा रह रहे थे। तो 107 ऊपर वाले रूम में शुभ और पापा रह रहे थे, और नीचे वाले रूम में मैं और मौसी मौसा जी हम लोग थे। सो गाइस, तो हम फाइनली है रिजॉर्ट पे, एंड हम ऊपर गए थे शुभ के रूम में। शुभ एंड भैया एक रूम में रह रहे हैं नीचे हम हैं। सो हम अपना रूम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर पापा मौसा जी सब मसाज करा रहे थे, तो हमने बस नीचे घूमने आई थी, तो बस मसाज सेशन आपको दिखा दी थोड़ा बहुत घुमा के। फाइनली हम कैंडलवुड रिजॉर्ट का जो होटल है वहाँ पर आ गए हैं लंच करने, और आज का लंच हम लोग कैंडलवुड रिजॉर्ट पे ही करेंगे। एंड वहाँ पर क्या क्या हम ऑर्डर देते हैं चलिए हम यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग लंच में ऑर्डर किए थे चाउमीन, क्योंकि मुझे चिकन एक चाउमीन लेना था लंच में। जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा चाउमीन पसंद है। एंड मौसी मौसा जी एंड पापा ने चावल, दाल, पनीर की सब्जी और शायद फिश करी लिए थे, ऐसे ही दाल लिए थे, फिश शायद करी लिए थे, पनीर की सब्जी लिए थे एंड कुछ लिए थे और फिश याद भी नहीं है उतना। पनीर की शायद 2 आइटम लिए थे। एंड देन बाबू बस बैठ के चाउमीन मेरे बाजू में बैठा था बाबू। हम लोग तीनों मतलब मैं, शुभो, भैया, हम लोग चाउमीन ऑर्डर किए थे, और हम लोग बस चाउमीन खा रहे थे। अब बिट्टू देखो कैसे अपने हाथों से खाता है, हम एक्सपर्ट है, एकदम एक्सपर्ट, सब कुछ एकदम फास्ट करता है। फाइनली हम कैंडलवुड होटल से खा के निकल गए हैं। सो हम लोग यहीं का रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में आज खा रहे हैं।
लंच किए हैं, सो अब हम थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे और हमें कभी निकल के लिए तो वहीं पर जाना। हम अभी जा रहे हैं शाम का स्नैक्स लेने और बहुत ही अंधेरा है, बहुत ब्यूटीफुल सा हवा दे रहा है और हम प्राइवेट बीच में ही हैं एंड आप बीच का नज़ारा देख सकते हो। आवाज़ तो आ ही रहा होगा, कितनी अमेजिंग सी प्लेस है ये, मैं बता नहीं सकती हूँ। जितना मैं बताऊँ आप बोलोगे बार बार एक ही बात बता रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं शाम का स्नैक्स लेने, हम लोग इस बार रिजॉर्ट पे नहीं स्नैक्स ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। सो हम कहाँ जा रहे हैं, चलिए हम आपको ले चलते हैं वहाँ और दिखाते हैं कि वहाँ क्या। एक्चुअली यहाँ पर फिश बहुत ही फेमस है, सो हम लोग फिश खाने जा रहे हैं। एंड रिजॉर्ट से निकलते ही आपको थोड़ा आगे एक मार्केट सोनार बांग्ला मार्केट दिखेगा, वहाँ से आप बहुत बहुत सामान ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ वहाँ मिल जाएंगे, जैसे ज्वेलरीज मिल जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाहर में फिश फिंगर एंड चिकन पकौड़ा लिए थे एंड कोल्ड ड्रिंक्स लिए थे, वो हम लोग बस थोड़ा बहुत खाए एंड देन हम लोग प्राइवेट रिजॉर्ट पर रिटर्न आए एंड हम लोग फ्रेंच फ्राई एंड चाय लिए थे क्योंकि बहुत कोई वेज खा रहे थे, तो वहाँ पर इतना अच्छा चाय नहीं था एंड चाय लिए भी नहीं क्योंकि यहाँ का चाय सुबह में लिए थे तो बहुत अच्छा लगा था। एंड देन हम लोग सोनार बांग्ला जो मार्केट है वहाँ चले गए हम दी, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था वहाँ से। वहाँ का प्राइवेट व्यू जो है कैंडलवुड रिजॉर्ट, उससे आप थोड़ा सा आगे जाओगे वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे जिसका नाम है सोनार बांग्ला मार्केट। जो वहाँ पर अगर एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सामान वहाँ मिल रहे थे। सो फाइनली हम लोग घर आ गए, रात हो गया था तो डिनर करना था, तो रात का डिनर करने हम लोग सब आ गए और डिनर करने के लिए हम लोग बस ऑर्डर देंगे अब और सोच रहे कि क्या ऑर्डर दिया जाए भाई। सो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर देंगे। फाइनली वहाँ पर डिनर नहीं किए और हम लोग पार्क होटल में चले गए। पार्क होटल में हमने लिया था राइस, दाल, पोस्तू, आलू फ्राई एंड पॉम्पलेट फिश फ्राई एंड मैसेज में लिया था वेज थाली, उसमें काफ़ी टेस्ट था वेज थाली में, काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप भी चाहो तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज, बाय।